और अब खबर सहरसा से, जहां पर बाढ़ से बुरा हाल है। महिषी प्रखंड के घांगीपुर गांव के लोग कोसी पश्चिमी बांध किनारे शरण लिए हुए हैं। यहां पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों तक अभी तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच सका है। हालांकि घोंगेपुर गांव के पश्चिमी बांध के समीप प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की व्यवस्था है, पर यहाँ भी सिर्फ एक वक्त एक रात में ही बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। महिषी प्रखंड की 11 पंचायत और आंशिक रूप से 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा जिले के भुबौल बांध टूटने से तबाही आई है। इस तबाही में तकरीबन 1.5 लाख लोगों का घर कटकर कोसी नदी में विलीन हो गया है। घर से बेघर हुए लोगों ने बांध किनारे जैसे तैसे झुग्गी झोपड़ी बनाकर शरण लिए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे और माल मवेशियों के साथ पूरा परिवार गुजर बसर कर रहा है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण लोगों को दिन में भी भूखे रहना पड़ रहा है। घोंगापुर, एना, झारा और सिमरी बख्तियारपुर के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं विधानसभा के, उन सभी जगहों का हम लोग दौरा किए। जहां जहां सामुदायिक किचन में शिकायतें मिली, सीओ से जो प्रभारी हैं उनको त्वरित हटाने का हम लोगों ने निर्देश दिया, उसको हटाकर दूसरे प्रभारी को नियुक्त किया गया। 2 टाइम खाना वहाँ सुनिश्चित कराना था, जहाँ पर 1 टाइम खाना मिल रहा था। मनमाने तरीके से प्रभारी काम कर रहे थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई, उनको हटाया गया वहां से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहरसा से संवाददाता शौकत अली हमारे साथ फोनलाइन से जुड़े हैं। शौकत अली, सहरसा में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सरकार को जिस तरह से राहत सामग्री वहां पर उपलब्ध कराई जानी थी, क्या सरकार वहां पर उस स्तर पर मदद कर पा रही है, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें भी आ रही है। जी बिल्कुल राकेश, आपको बता दें कि सहरसा के महसी प्रखंड का ये घोंगीपुर गांव का खबर है जो अभी जो है कि ये प्रसारित किया जा रहा है। और जो हमने वहां स्थल पे पहुंचकर जो वहां मौजूदा हालात थे उससे अवगत होने की कोशिश की, और जो बाढ़ से अस्थापित परिवार है उनसे भी हम मिलकर जो है प्रशासनिक मदद उन तक क्या कुछ पहुंच पा रहा है उनके जो है जायजा लेने की कोशिश की। लेकिन इसी क्रम में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के दौरान घोंगेपुर गांव पहुंचते हैं, और जैसे ही वो गांव पहुंचे लोगों ने उन्हें जो है कि सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद सीधा वे कम्युनिटी किचन के पास पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की बड़ी अनदेखी के बाद जो है कि वो पूरी तरह से प्रशासन पर ही भड़क गए और सीओ को वहां बुला करके जो है डांट फटकार करने लगे। उनसे सीधा उन्होंने पूछा कि जब सरकार तमाम सहायता दे रही है तो फिर आप लोग इन बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन से एक वक्त का खाना बाढ़ पीड़ितों को क्यों दिया जा रहा है। तो उस वक्त जो है कि चेहरे से जो है कि अधिकारियों के पानी उतर रहे थे। हालांकि जो सलकुआ, नवाटा और मैसी सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे कुछ लोगों को राहत मिल रही है, कुछ लोगों को पन्नी मिल रहा है, लेकिन लाखों लोग बाढ़ पर शरण लिए हुए हैं, उनको खाने की कोई व्यवस्था समुचित रूप से नहीं दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बाढ़ से विस्थापित परिवार शरण लिए हुए हैं, लोग प्रशासनिक जो है कि मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उन तक प्रशासन का जो है कि मदद पूरी तरह से सरकार के तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश है कि एयर ड्रॉपिंग के जरिए भी लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया जाए राशन को लेकर, क्या इस तरह की भी तस्वीरें हैं इलाके में या फिर वो भी नग्न देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जो जिस क्षेत्र में ज्यादा तबाही है वहाँ के उन तथा कथित लोगों को से सहयोग ले रहे हैं प्रशासन, और उनके ही जरिए जैसे तैसे सूखा राशन हो या फिर अन्य राहत की बात की जाए तो उनसे उन्हें जो है कि दिलवाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस पर कहीं खड़े नहीं उतर रही है, और इसी का नतीजा है कि जो बाढ़ से विस्थापित परिवार है वो उन तक जो है कि मदद नहीं पहुंच पा रहा है। वो लोग प्रशासनिक उम्मीद लगाए बैठे हैं, मदद की गुहार लगाए बैठे हैं, लेकिन अधिकारी उन तक नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है जिसका खामियाजा बाढ़ से विस्थापित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि सरकार के तरफ से सख्त निर्देश है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में और लोगों के बीच राहत सामग्री अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, फिर भी उन तक कोई भी सहारा या फिर राहत सामग्री
उस तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही है, सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।